हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलाहाबादी गर्ल बबीता राज। मैं बबीता। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग एक ऐसा फेस पैक मैं बताऊंगी जिससे लगाने के बाद आपके चेहरे पे गुलाबी निखार आ जाएगा, क्योंकि मौसम भी चेंज हो चुका है तो ठंड आने वाली है। और ठंड में सभी की स्किन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ड्राई स्किन। सभी की ड्राई हो जाती है। जिसकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है उसकी भी स्किन ड्राई हो जाती है। मेरी भी स्किन ऑयली है और मेरी भी स्किन ड्राई हो जाती है। और जिसकी स्किन ड्राई है तो वो तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा फेस पैक बनाया जाए जिसे हम डेली लगाएं और हमारे फेस पे एक गुलाबी निखार भी आए और साथ ही साथ हमारा फेस कोमल, मुलायम, सॉफ्ट हो जाए। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही फेस पैक बता रही हूँ जिसे लगाने के बाद आपके चेहरे पे जो खिंचावपन रहता है, जो रूखापन होता है और जो खिंचावपन से रैशेस आ जाते हैं ठंडियों के समय, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, ये सारी प्रॉब्लम दूर होगी। और साथ ही साथ इसे लगाने से उम्र के पहले जो हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं, छाई आ जाती है, ये भी प्रॉब्लम ये दूर करेगा। ठंड में हम धूप में बैठते हैं जिससे हमारी स्किन जल जाती है। जलने का मतलब कि डार्क हो जाती है। ठंड में नहीं चाहते कि हम धूप में बैठे, फिर भी ठंड लगती है तो हम लोग धूप में बैठ ही जाते हैं। तो ये जो फेस पैक आप डेली लगाओगे ना तो ये भी प्रॉब्लम ये दूर कर देगा कि जो स्किन डल हो जाती है, कोई भी साइन ऑफ ग्लो नहीं होता है। तो आप इस फेस पैक को डेली लगाइएगा और ठंड में भी अपने चेहरे को आप कोमल, मुलायम, सॉफ्ट बनाइएगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए देख लेते हैं इस फेस पैक को कैसे बनाना और कैसे फेस पे लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं फेस पैक। इस फेस पैक को बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है। इसके बाद मैं लूंगी केला बनाना, तो आधा आपको लेना है। थोड़ा गला हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये गला नहीं है मेरे पास। और इसे हम मैश कर लेते हैं। केला है वो त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो इसका छिलका हम उतार देते हैं और इसके बाद इसे मैश कर लेते हैं। इसमें मौजूद विटामिन, पोटेशियम, ऐसे कई पोषक तत्व त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। केले में मौजूद विटामिन ए त्वचा के लिए काफ़ी फायदेमंद हो, साथ ही साथ ये त्वचा के लचीलेपन को भी वापस लाता है। और ये देखिए अच्छे से मैश हो चुका है। तो केला हमारे सेहत के लिए तो अच्छा है ही है, साथ ही हमारे स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इस केले में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो त्वचा के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 स्पून दही और इसे डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो दही के बारे में आपको पता है, ये हमारी हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है, साथ ही साथ हमारे स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और ये सनबर्न जैसी समस्या को दूर करेगा, आपकी स्किन टोन से सन स्पॉट को भी हटाता है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ अब बादाम रोगन ऑयल और ये मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, 1 स्पून से भी कम डाल रही हूँ, मतलब 2-3 ड्रॉप डाल रही हूँ। और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। बादाम ऑयल है ये भी आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपने ऐसे ही रात में लगा के सो जाओ तो आपकी स्किन ठंडियों में बिल्कुल सॉफ्ट, कोमल, मुलायम रहेगी। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये फेस पैक हमारा बन गया है। फेस पैक को लगाने से चेहरे की टैनिंग दूर होगी और नमी बनी रहेगी, जिससे आपका चेहरा सॉफ्ट, कोमल और मुलायम रहेगा। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश करके क्लीन कर लेना है, साफ कर लेना है, तभी आप कोई भी फेस वॉश लगाया करिए। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ उसे कैसे लगाना है। तो इसे थोड़ा सा लेके पूरे फेस पे अप्लाई कीजिएगा, फिर उसके बाद आपको 2-3 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है। मैं हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ कि आप कोई भी फेस पैक लगाओ तो उसको अपने हाथों से अच्छे से मसाज करोगे तभी वो अच्छा असर करेगा, आपके फेस पे ग्लो एक साइन लाएगा। क्योंकि जो भी फेस वॉश होगा आपकी स्किन तक जाएगा, आपकी डेड स्किन निकालेगी, आपकी गंदगी निकालेगा। और ये देखिए मुझे यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं तो मैं 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना चाहते हो ठंडियों में भी तो आप इस फेस पैक को डेली लगाइएगा, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे फेस पैक थोड़ा चेहरे पे कम लग रहा था, मैंने फिर से लिया और फिर से मैं मसाज करूँगी। तो ऐसे आपको 2 बार लेकर के मसाज अच्छे से करना है और यहाँ पे लगभग 3 मिनट होने वाला है। इसके बाद जब 3 मिनट हो जाएगा तो कोई ज़रूरी नहीं, आप 4 मिनट भी कर सकते हो, 4 मिनट करोगे तो और भी अच्छी बात होगी। तो फिर इसके बाद मैं इस फेस पैक को फिर से पूरे फेस पे अच्छे से लगा लूँगी। यहाँ देखिए मैं पूरे फेस पे इसे अच्छे से फिर से लगा लूँगी और इसे सूखने दूँगी। कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाता है सूखने में, 10-12 मिनट लग जाता है। और फिर इसको मैं नॉर्मल पानी से धुलूँगी,
ठंडे पानी से नहीं धुलना है। नॉर्मली पानी जो ठंडियों में आप पीते हो या गुनगुना पानी से आप इसको चेहरे को अच्छे से धुल लीजिएगा। तो यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुका है। अब मैं इसको हल्के हाथों से फिर से 30 सेकंड मसाज करके निकाल दूंगी। ये फेस पैक न केवल ड्राई और ऑयली स्किन के समस्या को ही दूर करता है, बल्कि चेहरे पे दिख रही झुर्रियों को भी ये दूर करता है और आपकी त्वचा नरम कोमल बनाएगा और साथ ही साथ त्वचा पे चमक लाएगा, गुलाबी निखार लाएगा। और यहाँ 30 सेकंड हो चुका है। अब मैं इसको हटा के दिखाती हूँ टिश्यू पेपर से, उसके बाद मैं आपको धुल के भी दिखाऊँगी। और ये देखिए, तो चलिए अब धुल के आती हूँ फेस को, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने फेस को अच्छे से धुल लिया है पानी से, नॉर्मल पानी से मैंने धुला है और मुझे अपने फेस पे एक साइन एक ग्लो दिख रहा है एक बार में ही। और सबसे बड़ी बात तो है कि मेरी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम सी हो गई है, जैसे कहते नहीं है बिल्कुल सॉफ्टनेस आ गई है उसके अंदर, और थोड़ा थोड़ा बालों में भी लग गया है क्योंकि केला है तो चिपचिपाता है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। फिर चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। ओके बाय बाय।